नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष वाजपेयी। अभी हाल ही में बजट आया है और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े एंकर बैठकर डिबेट आयोजित करवा रहे थे, जिसमें नेता से लेकर अभिनेता तक और अर्थशास्त्रियों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन इस बीच में मिडिल क्लास का कभी भी कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया की कोई अहमियत ही नहीं होती है। तो चलिए, एक वीडियो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मिडिल क्लास पर आखिरकार क्या बीती है और क्या है मिडिल क्लास की प्रतिक्रिया। तो भाई, आप बात करते हैं आपकी और हमारी, मतलब मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास होना भी किसी वरदान से कम नहीं होता है, कभी इन्हें बोरियत नहीं होती है। जिंदगी भर कुछ ना कुछ आफत लगी ही रहती है। मिडिल क्लास वालों की स्थिति सबसे दयनीय होती है, इनमें से मैं भी एक हूँ। इन्हें ना तैमूर जैसा बचपन नसीब होता है और ना ही अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा, फिर भी अपने आप में उलझे हुए व्यस्त रहते हैं। मिडिल क्लास होने का भी अपना ही फायदा है, चाहे BMW का भाव बढ़े या फिर ऑडी का या फिर नया आईफोन ही लॉन्च क्यों ना हो जाए, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इनमें से मैं भी एक हूँ। मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में ही चली जाती है। इनके घरों में पनीर की सब्जी तभी बनती है जब दूध फट जाता है, और मिक्स वेज की सब्जी तभी बनती है जब रात वाली सब्जी बच जाती है। इनके यहाँ फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक एक साथ तभी आते हैं जब घर में कोई बढ़िया वाला रिश्तेदार आया हो, मतलब कानपुर से यदि कोई आएगा तो कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी दी जाएगी। मिडिल क्लास वालों के कपड़ों की तरह खाने के चावल की भी तीन वैरायटी होती है या तीन प्रकार होते हैं, एक डेली यूज वाला, एक केजुअल और एक पार्टी वाला। छानते समय चाय पत्ती को दबाकर लास्ट बूंद तक निचोड़ लेना ही मिडिल क्लास वालों के लिए परम सुख की अनुभूति होती है। ये लोग रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि सीधे अगरबत्ती जला देते हैं। भाई, मिडिल क्लास भारतीय परिवार के घरों में गेट टुगेदर नहीं होता है, यहाँ पर सीधे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और यहीं पर सारे मेहमानों को बुलाकर पोहे का प्रसाद दिया जाता है। इनका फैमिली बजट इतना सटीक होता है कि सैलरी अगर 31 के बजाय 1 को आ जाए तो गुल्लक फोड़ना बिल्कुल तय हो जाता है। मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो बहुत महंगा है बोलने में ही निकल जाती है। इनकी भूख भी होटल के रेट्स पर डिपेंड करती है। अगर महंगे होटल के मेन्यू बुक में मिडिल क्लास इंसान फूड आइटम नहीं बल्कि अपनी औकात ढूंढ रहा होता है। इश्क मोहब्बत तो अमीरों के चौंसले हैं साहब, मिडिल क्लास वाले तो सीधे ब्याह करते हैं और इनके जीवन में कोई वैलेंटाइन नहीं होता है। जिम्मेदारियां जिंदगी भर बजरंग दल सी पीछा करती रहती हैं। मध्यम वर्ग की दूल्हा और दुल्हन मंच पर ऐसे बैठते हैं मानो जैसे किसी भारी सदमे में हो। अमीर शादी के बाद हनीमून पर चले जाते हैं और मिडिल क्लास लोगों की शादी के बाद टेंट बर्तन वाले पीछा कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मिडिल क्लास बंदे को पर्सनल बेड और रूम भी शादी के बाद ही अलॉट हो पाता है। मिडिल क्लास के बारे में बस इतना सही समझ लो कि ये तेल सर पे लगाते हैं, वही तेल मुंह में भी रगड़ लेते हैं। एक सच्चा मिडिल क्लास आदमी ग्रीजर बंद करके तब तक नहाता रहता है जब तक कि नल से ठंडा पानी आना शुरू ना हो जाए। रूम ठंडा होते हुए भी एसी बंद करने वाला मिडिल क्लास आदमी चंदा देने के वक्त नास्तिक हो जाता है और प्रसाद खाने के वक्त आस्तिक हो जाता है। दरअसल मिडिल क्लास तो चौराहों पर लगी घंटी के समान होते हैं, जिसे लूली लंगड़ी अंधी बहरी अल्पमत पूर्णमत हर प्रकार की सरकार पूरे दम से बजाती है। मिडिल क्लास को आज तक बजट में वही मिला है जो अक्सर मंदिर में हम बजाते हैं। फिर भी हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी की पैसे बचाने की बहुत कोशिश होती है, लेकिन बचा कुछ नहीं पाता है। हकीकत में मिडिल मैन की हालत पंगत में बैठे उस व्यक्ति की तरह होती है जिसके पास पूरी सब्जी चाहे इधर आए चाहे उधर आए, लेकिन उसके तक आते आते वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मिडिल क्लास के सपने भी लिमिटेड होते हैं। टंकी भर गई है, मोटर बंद करना है, गैस पर दूध उबल गया है, चावल जल गया है, इसी टाइप के सपने होते हैं साहब। दिल में अनगिनत सपने लिए बस चलता ही जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।